एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने दावा किया है कि दीप सिंधु और लखा सदाना ने युवा किसानों को लाल किले पर जाने के लिए कहा था। इस वक्त की बड़ी खबर है, दोनों दोआब किसान संघर्ष कमेटी से जुड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि दीप सिंधु और लखा सदाना ने युवाओं को उकसाया कि वे लाल किले पर चलें और लाल किले पर जाके धार्मिक झंडा लहराएं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर आरोप लगा है कि दीप सिंघू और लखा सदाना ने युवाओं को भड़काया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये सिंघू बॉर्डर से आ रही है ये खबर। ये है कि कल जब हिंसा हुई तो उससे पहले लखा सदाना और दीप सिंधू ने किसानों को भड़काया था। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पर स्थिति रोज की तरीके से सामान्य दिखाई दे रही है। हालांकि रात 3 बजे तक यहां पर दिल्ली से ट्रैक्टरों का आना जारी था और रात 3 बजे तक एक ताता लगा हुआ था। हजारों ट्रैक्टर जो दिल्ली गए थे गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड में, वो रात 3 बजे तक लौटते रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला खत्म हुआ है और अभी सिंघू बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है। हमने किसानों से बात की कि दिल्ली के तय रूट पर जाने की जगह लाल किले वो कैसे पहुंच गए, तो उनमें से कुछ किसानों ने हमें बताया कि दोआबा संघर्ष कमेटी नाम की एक संस्था है जिनमें दो धड़े हैं नेताओं के। उनमें से दो नेता दीप सिद्धू और लखा सरदाना का जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने जो यूथ थे किसानों के, उनसे ये कहा कि लाल किले जाना है। हालांकि दोआबा संघर्ष कमेटी में दो धड़े थे, एक का कहना था कि तय रूट पर चलेंगे, जबकि लखो सरदाना और दीप सिद्धू ने ये आह्वान किया कि लाल किले तक जाना है। नतीजा ये हुआ कि जो किसानों में यूथ थे वो उनकी बातों में आ गए और लाल किले की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उसके बाद और भी किसान उनके देखा देखी वहाँ पहुँचे हैं अलग अलग संगठनों के, लेकिन किसानों से जो हमारी बात हुई उनके अनुसार इन दो नेताओं के उकसावे पर जो किसान थे, खासतौर से यूथ जो थे किसानों में, वो सबसे पहले लाल किले पहुँचे थे। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।